ये दोस्तों ये दिक्कत है, कितना इनके भी घर में पानी, आपके घर में भी पानी आ गया माता जी? पूरा है तो पानी। अच्छा आप लोग के घर में भी, सभी लोग अभी घर में ही हैं? बाल बच्चा आपका सब लोग घर में? कुछ गए कुछ है। कहाँ गए हैं लोग? रिश्तेदारी भेजे, और कहाँ भेजेंगे। अच्छा बाढ़ सेवा शिविर कहीं ना बनल है ना? कितना अब हम कहा बताएं, कितना चिल्लाई सरकार के तनको ख्याल ना बा, यहाँ के प्रशासन के तनको ना ख्याल बा, घर में भी पानी है और अच्छा। जाने के लिए हम लोग भी डूब जाएंगे। अच्छा गहरा है उधर जी, बहुत है। गड्ढा ये प्राथमिक विद्यालय है, इसकी भी कोई व्यवस्था सरकार तरफ नहीं कि थोड़ा इसको लेवल करवा दे बच्चों के बैठने उठने के लिए। तो बात अलग है, लेकिन पहले तो सबकी जान फंसी हुई है, इनके लिए राहत, बाढ़ राहत सेवा शिविर बनाना चाहिए, वहाँ पे जाकर शिफ्ट करना चाहिए। नहीं कोई हम लोग वही पलटवा था उतर नहीं हम लोग के घर पर अब ना कहने की हमन के का हो तो काना केहू अब ना कर हमन के हाथ मार के बलाई तभी केहू नहीं आई। हमार हालत बड़ी खराब रही भैया, हमके न देह में खून भी कम हो गई। हम डॉक्टर के बाद विजय के डॉक्टर के पास हम दवा लेके आई, 4,000 का मैं दवा लेके आई, बाकी पानी हमके बने है, बाकी हम पानी नहीं हलेंगे तो मेरे बच्चे मर जाएंगे कि नहीं। देखो आपके सामने हम भूसा भर के लेके आई आ इसके लोग के डाली। देखिए बहुत दिक्कत है, चलिए ये बहुत दिक्कत बा, कहाँ कर जाए समझ में नहीं आ रहा है। सरकार आई व्यवस्था सब कैसे कैसे की। तो दोस्तों देखिए ये स्थिति है यहाँ की, जो कि पानी कितना बहाव तेज है। अब ये सोचिए ये जो पशु हैं, जो गौ माता हैं, ये कहाँ बैठेंगी बाढ़ में, पानी में पूरा घिरा हुआ। ये भी 3-4 दिन से ये भी लोग जो है बैठ नहीं पा रही हैं, खड़ी खड़ी हैं, देखिए बोल रही है गौ माता। और जो इस गांव में जिनका जिनका घर है उनके घरों में जो पानी चला गया है, तो ये लोग भी जो है अपना चौकी पर खाट पे ऊंचाई पर करके रह रहे हैं। और इन्हीं गांव में ऐसे एक दो लोग का घर है जिसका घर थोड़ा सा ऊंचा है या छत पे जगह है, तो ये जिनका मड़ई में पानी घुस गया डूब गया है, ये लोग अपना उन्हीं के छत पे जाके अपना जी रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं और इसी आस में बैठ कर इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा आएगी, सरकार की तरफ से नाव आएगी, सरकार की तरफ से राहत पैकेज आएगा, सरकार की तरफ से एम्बुलेंस आएगा, सरकार की तरफ से डॉक्टर आएंगे, सरकार की तरफ से इनके लिए भोजन आएगा, सरकार की तरफ से इनके पशुओं के लिए भूसा आएगा, तो हम लोग अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है मौके पर। देख लेनी हम देख लेनी का सब देखा था कि बाढ़ में कितना तकलीफ बा, कितना दिक्कत बा। बताइए पानी भी, हाँ मशीन भी डूबी गई है। अब ये स्थिति है, सोच लीजिए कि ये लोग कितना मौत के मुंह से अपना लड़ रहे हैं, मौत के मुंह से समझिए कि अब ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब देखना है कि क्या होता है आगे, हम एक दो दिन बाद फिर आएंगे, देखेंगे क्या हुआ व्यवस्था। आप लोग के डर ना लगा था तनको जा? डर लगा, पानी है तो कैसे इमराल जाए ना, घर द्वार यहीं है तो छोड़ के घरवा बहरे ना कहीं जाके हिताई ना चल जाके ना कहाँ जा जाएगी भाई, भैंस गोरू छोड़ के कहाँ इना के लेके, कम से कम ना सरकार सुविधा देते तो इताई नेता में चल जइया। गोरु चुवा कहां जइए सर लेके, ये कुछ लगाव है, सही बात है, इनकी यादें हैं, घर से सब कुछ होता है, सबको ये कास होते कि अब पानी लौट जाएगा। देखिए पानी पानी में खाद डाल के ये भी पूरा बैठे हुए, अब इसी पे रात में सोएंगे लोग, बताइए। और इस गांव में ये भी बात है कि लाइट तो अब तो काट दी गई है, लाइट नहीं है, उजाला बिल्कुल नहीं है, तो सोचिए इनके लिए उजाला के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो रात में बिल्कुल अंधेरे में इसी तरह से खाट पर सोएंगे, बिसैले जानवर आएंगे खाट पर चढ़ जाएंगे, कहीं उनका शिकार हो जाएंगे तो कितनी तकलीफ होगी, कितनी दिक्कत होगी। दवा के लिए भी नहीं जा पाएंगे लोग, अभी उनकी माताजी की तबीयत खराब है और नाव डोंगी है जो कि हाथ से खेने वाली है, सोचिए मैं टच भी नहीं करूँगा किधर भी, हाथ से डोंगी खेने वाली है, तो उसमें भी जो है दिक्कत होगा कि हाथ से कितना देर तक खे के ले जाएंगे। अगर ये डीजल वाली नाव रहती तो शायद सबको सारी व्यवस्थाएं मिल जाती, लेकिन ये लोग अपने से भी कुछ नहीं कर पाए, इनका तो सब कुछ आसियाना सब कुछ डूब गया।